ओम नमः शिवाय। आज मैं SCL कंपनी के संस्थापक शिव नाडर जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 14 जुलाई 1945 को हुआ। देखिए, इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और अखंड साम्राज्य योग होने के लिए या तो वृश्चिक लग्न हो, कुंभ लग्न हो, वृषभ लग्न हो या सिंह लग्न हो तो पहली कंडीशन हो जाती है फॉलो। दूसरी कंडीशन, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में होना चाहिए जो कि गुरु है, द्वितीय कंडीशन। तीसरी कंडीशन, गुरु और चंद्रमा जो है केंद्र में होना चाहिए, तो गुरु और चंद्रमा केंद्र में है तो ये अखंड साम्राज्य योग की कुंडली बनती है, पूर्ण अखंड साम्राज्य योग की कुंडली ये बनी। अब देखिए, पंचम भाव, ज्ञान भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी गुरु केंद्र में है, कर्म भाव में। कर्म से धन की वृद्धि हो रही, ज्ञान की वृद्धि हो रही। कर्म भाव के स्वामी रिसर्च भाव में, अष्टम भाव में है, रिसर्च से कर्म की वृद्धि हो रही है। और साथ साथ शनि बैठे हुए हैं तो शनि देखिए पराक्रम भाव के भी स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है तो पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं, सुख सुविधा भूमि वाहन मकान की वृद्धि कर रहे हैं। और यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो रिसर्च में विपरीत परिस्थितियां जरूर आ रही हैं लेकिन ये कामयाब हो रहे हैं, रिसर्च कामयाब हो रहा है। और रिसर्च भाव के स्वामी भाग्य भाव में बुद्ध बैठे हैं तो यहाँ पे भाग्य के कारण, बुद्धि के कारण रिसर्च भी अच्छा हो रहा है। और भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठे हैं तो कर्म से यहाँ पे भाग्य भी साथ दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और फिर से देखिए, कर्म भाव के स्वामी रिसर्च भाव में, रिसर्च भाव के स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में, कर्म से रिसर्च, रिसर्च से भाग्य, भाग्य से कर्म। तो ये सर्कल चल रहा है। और साथ साथ देखिए, यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु धन की वृद्धि करा रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि करा रहे हैं, शनि पराक्रम की वृद्धि करा रहे हैं, सुख सुविधा भूमि वाहन मकान की वृद्धि करा रहे हैं सर्कल में। तो इस कारण ही कंपनी स्थापित हुई। और जहाँ पे शनि और सूर्य जो है वर्गोत्तम बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, तो शनि के क्षेत्र में और सूर्य के क्षेत्र में रिसर्च हो रहे हैं और राहु के क्षेत्र में रिसर्च हो रहे हैं। अब देखिए, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल सातवें भाव में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से अपने घर को दिख रहे। लग्नेश का मंगल अपने घर में दृष्टि डालना इनके व्यक्तित्व को अच्छा करता है। साथ साथ शुक्र बैठे हुए, शुक्र की भी दृष्टि जो है लगानी पड़ रही है तो इनके व्यक्तित्व को अच्छा करिए। कर्म भाव की बात करें तो कर्म भाव में देखिए केतु उच्च के बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है अपने घर में। सॉरी, धन भाव की बात करें, धन भाव में देखिए केतु बैठे हैं उच्च के तो धन की वृद्धि हो रही है और गुरु की जो है अपने घर में दृष्टि कारण धन की वृद्धि हो रही है। अब हम इनके पराक्रम की बात करते हैं तो पराक्रम में देखिए मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि यहाँ पे आठवें भाव में बैठे हैं तो आठवें भाव में, अष्टम भाव में बैठने के कारण यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है तो यहाँ प्रेशर से विपरीत कंडीशन जरूर आएंगी, इनके पराक्रम की वृद्धि होगी। साथ साथ बुध की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव सुख सुविधा भूमि वाहन मकान का है, जहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो इन दृष्टियों के कारण और साथ साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इनका चतुर्थ भाव काफी अच्छा हो जाता है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में देखिए मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु कर्म भाव में बैठे हैं तो कर्म से जो है ज्ञान की वृद्धि हो रही है। साथ साथ देखेंगे यहाँ पे शनि की दसवीं दृष्टि भी पड़ रही है तो यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब हम बात करते हैं इनके जो है छठम भाव, कंपटीशन भाव की, तो यहाँ पे देखिए मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल बिजनेस भाव में बैठे हैं, बिजनेस से इनका कंपटीशन भी हो रहा है। साथ साथ केतु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केतु और गुरु की दृष्टि के कारण इनका जो है बिजनेस भाव, सॉरी इनका जो है केतु की दृष्टि के कारण इनका जो है कंपटीशन का भाव काफ़ी अच्छा हो रहा है और जो है गुरु की दृष्टि के कारण कंपटीशन अच्छा हो रहा है और रोगिणी शत्रु भी इनके ठीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। बिजनेस भाव की बात करते हैं, मंगल और शुक्र की दृष्टि, शुक्र बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र बिजनेस भाव को बढ़ा रहे हैं
और शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तम है, शुक्र अपने घर में बैठे हैं, तो मंगल और शुक्र के कारण बिजनेस अच्छा हो रहा है। रिसर्च भाव में बताया ही शनि राहु और सूर्य के कारण रिसर्च हो रहा है, इसके स्वामी बुध भाग्य के कारण रिसर्च हो रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ी। और भाग्य के स्वामी देखिए चंद्रमा कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म से जो भाग्य की वृद्धि हुई और यहाँ पे बुध बैठे हुए। और कर्म भाव में गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, साथ साथ मंगल की दृष्टि पड़ी, शनि की दृष्टि पड़ी, केतु की दृष्टि पड़ी। तो और इसके स्वामी जो है रिसर्च भाव में, रिसर्च के कारण कर्म हो रहा। और लाभ भाव की बात करें तो लाभ भाव में बुध बैठे हुए मीन कन्या राशि स्वामी बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य से जो है लाभ की प्राप्ति हो रही है। और विदेश भाव की बात करें तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र बिजनेस भाव, बिजनेस से इनका विदेश भाव भी व्यय भाव भी अच्छा हो रहा है और राहु की दृष्टि पड़ी तो अच्छा गई। अब मैं इनकी कुंडली में क्या क्या खास योग है मैं बताना जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मंगल की अपने ही लग्नेश की अपने ही घर में दृष्टि इनके व्यक्तित्व को मजबूत कर रही। शुक्र का वर्गोत्तम होना, शनि का वर्गोत्तम होना, सूर्य का वर्गोत्तम होना और केतु का उच्च का होना, राहु का उच्च का होना, गुरु का अपने घर में दृष्टि और इन दृष्टियों के कारण ये कुंडली काफ़ी अच्छी हो रही है। साथ साथ देखिए गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग केंद्र में बनना, कर्म भाव में बनना, तो इन योगों के कारण कुंडली काफ़ी अच्छी अद्भुत हो रही है। देखिए दोस्तों कुंडली में ग्रह अपना असर दिखाते हैं और आप जितना अधिक व्यक्तियों की कुंडली देखेंगे उतना अधिक आपको ज्योतिष की नॉलेज अच्छी होगी, उतना अधिक ज्योतिष का नॉलेज ज़्यादा होगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें और आपको ज्योतिष सीखने में मदद मिले। और यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस सेंड करें ताकि मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस कर सकूं। धन्यवाद।